आ गई दीपावली और हो गया कबाड़ा इकट्ठा। मैंने भी कर लिया है थोड़ा सा कबाड़ा इकट्ठा, पर मैंने वही इकट्ठा किया है जिसकी मुझे जरूरत पड़ती है। तो अब हम इसी से आर्ट बनाएंगे, क्योंकि जो मैंने इकट्ठा किया है वो इन्हीं टाइम के लिए इकट्ठा किया था कि देखते हैं इनसे हम क्या क्या बना सकते हैं। जैसे कि ये बोतल, बोतल तो मैंने अभी बनाई थी यार, बोतल से अब कुछ नहीं बनाएंगे। छोटी बोतल मंगा ली थी, पर मैंने दो बड़ी बोतल मंगाई थी और उनकी मैंने एक आर्ट बनाई थी, छोटी सी टेबल, शायद आपने देखा है होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये कलर की बोतल जो कि ढक्कन टूट गया था और काफ़ी सारा मेरा इसके अंदर कलर भी ख़राब हो गया। और ये है एक डिब्बी जिससे कि मैं अपनी नेल पॉलिश रिमूव करती हूँ, और आज मैं इसी डिब्बी का यूज़ करने वाली हूँ। ये पेंसिल बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, जब मेरे बच्चे 6th 7th में पढ़ते थे तब से ये रखी हुई है। सोचा था किसी को दे दूंगी, पर जब हम खुद काम करते हैं तो लगता है कुछ काम आ जाएंगी। हर किसी के पास ये वुडन सर्कल नहीं होते हैं, तो आप इनकी जगह कार्डबोर्ड के सर्कल ले सकते हैं। मेरे पास ये हैं इसलिए मैंने इनका यूज किया है, और यहाँ भी मैं पुरानी पेंसिल का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो आप कोई भी वुडन स्टिक लगा सकते हैं। और ये लिया है मैंने मोल्डेड क्ले। मोल्डेड क्ले के दोनों पार्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़ी सी ठीक डोरी बना ली है, उसे भी मैं इस तरह से लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पेंसिल को भी सपोर्ट मिलेगा और साथ में ये दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। तो आज ज्यादा से ज्यादा मैं पुरानी चीजों का ही यूज कर रही हूँ, जैसे कि ये शादी का कार्ड है वो लिया है मैंने, और इसकी एक लीफ काट ली है। तो इस तरीके से आप भी अपने लिए कोई प्लेन लीफ भी काट सकते हैं। और इस तरह की सीट तो हर घर में आसानी से मिल जाती है, अगर नहीं है तो कार्डबोर्ड की सीट भी ले सकते हैं। और कार्डबोर्ड की शीट से ही मैंने एक रोल बनाया है। इस रोल को मैं कहाँ यूज करने वाली हूँ इसका आपको आगे पता चलेगा, तो वीडियो को विदाउट स्किप देखिए। और ये जो डिब्बी है नेल रिमूवर की, यही मेरी वीडियो का मेन पार्ट है जो मैंने काफी टाइम से संभाल कर रख रखी थी। कभी कभी इस तरह की छोटी छोटी चीजें बहुत काम आ जाती है। इस डिब्बी का आज की आर्ट में मेन रोल है। इसके ऊपर क्ले लगा करके लिए एक खूब सुंदर सा मैंने डिजाइन बना दिया है, और इसे मैं ड्राई होने रख देती हूँ, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। ये मैंने पिकॉक की नेक कट कर ली है एक थिक कार्डबोर्ड की, जिससे मैंने वो लीफ काटी थी, बस उसी सीट का मैंने यहाँ यूज किया है। और इसके ऊपर दोनों साइड से क्ले लगा करके नहीं थोड़ा टेक्सचर भी दे दिया है। इस तरह के छोटे छोटे टेक्सचर जब हम क्ले पर दे देते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। जहाँ जरूरत होती है वहीं दिए जाते हैं, जैसे कि नेक पर मैंने दिया है तो बहुत अच्छा लग रहा है, और डिब्बी पर मैंने दिया था तो वहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था। जो मैंने कार्डबोर्ड रोल बनाया था उसको मैंने पेंसिल के ऊपर टॉप वाले हिस्से पर लगा दिया है, और उसके ऊपर मैंने तैयार डिब्बी को रख दिया। इसे लगाने के लिए मैंने ग्लू का इस्तेमाल किया है। आप ग्लू का भी यूज कर सकते हैं, और अगर ग्लू गन है तो और भी अच्छा है, आप उससे भी स्टिक कर सकते हैं। और सबके ऊपर आप कलर करेंगे तो आज मैंने सिर्फ गोल्डन कलर किया है, बहुत सारे कलर का कोई यूज नहीं है, सिर्फ एक गोल्डन कलर जो कि एक्रिलिक कलर है और मार्केट में छोटी वाली सीसी में आते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। हर पार्ट पर गोल्डन कलर करने के बाद में अब मैं अपना पसंद का काम कर रही हूँ, क्योंकि हर बार मैं इस काम को जरूर करती हूँ। शायद ही कोई आर्ट होती है जिसमें मैं ये नहीं लगाती। तो आज हम मिरर लगा रहे हैं, और ये मिरर अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, और नहीं है तो आप कोई भी डोरी वगैरह या कुछ डॉट्स वगैरह रख के भी आप आर्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। मिरर लगाते वक्त मैंने देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट रह गया है कलर करने के लिए, तो उसे मैं बाद में कर लूंगी। और ये मिरर लग गए, और पीछे जो हमने फेदर लगाया था उसके ऊपर भी मैंने मिरर लगा लिए हैं, साथ में ये राउंड शेप के मिरर लगाए हैं, और ये हमारी पूरा पिकॉक दिया स्टैंड बनकर तैयार हो गया। एक छोटी सी डिब्बी और एक पेंसिल और साथ में एक क्ले का पैकेट, और पूरी डिब्बी बनकर तैयार है। अगर आपके पास में ग्लू नहीं है, ग्लू गन नहीं है, और क्ले का पार्ट तो आपको हर शॉप पे मिल जाता है, तो आप उससे भी स्टिक कर सकते हैं। तो आज का मेरा ये आर्ट कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए। साथ ही मेरी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई आर्ट के साथ। बाय बाय।